हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने फ़ोन में जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास ओप्पो का फ़ोन है। आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। आप यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हैं। आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं, तो आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है एडिशनल सेटिंग पर। एडिशनल सेटिंग पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देख ही रहे हैं। आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, बैकअप और रीसेट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप जाएंगे इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट पर। उसके बाद रीसेट सिस्टम सेटिंग करेंगे। इधर क्लिक करने के बाद रीसेट दोबारा से कर देंगे। रीस्टोरिंग हो रही है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सिस्टम की सेटिंग जो है रिस्टोर हो चुकी है। यानी इस तरीके से जो भी अब आपके फ़ोन में नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो इस तरीके से जो है सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद कर सकते हैं फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।